Thank <laughs> you. इस तरीके से आपको करना और मेन दोस्तों आज की वीडियो होने वाली बहुत ही ज्यादा खास क्योंकि आज की वीडियो हम आपको सिखाने वाले हैं गन से सेल्फ डिफेंस जी है दोस्तों यदि सामने वाले जो दुश्मन है यदि आपको गन से यदि शूट करता है या फिर गन से मारता है मल्टीपल तरीके से तो आप किस तरीके से डिफेंस करेंगे और किस तरीके से सामने वाले को मार सकते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक देखिए ध्यान से देखिएगा आपको देखिए गन का जो सेल्फ डिफेंस रहता है उसमें सबसे जो मेन चीज रहती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस यदि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप डिफेंस कर सकते हैं यदि नहीं है तो आप नहीं कर सकते ये किसी दुकान पर नहीं मिलता मैं आपको बता दूं सेल्फ कॉन्फिडेंस जो रहता है वो केबल और केवल किससे के आता है ट्रेनिंग करने से आता है देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे समय लीजिए कि आप दसवीं क्लास में हैं और आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई की है साल भर बिल्कुल कोचिंग भी गए हो और पूरी मेहनत से आपने यदि पढ़ाई करी है और दूसरी तरफ यदि देखें दूसरा जो लड़का है वो केवल कल पेपर है और आज यदि पढ़ के जा रहा है तो उसके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस रहेगा और आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस रहेगा ये आप कमेंट करके खुद बताइए मेरे कहने का मतलब मतलब ये है दोस्तों कि केवल मेहनत करने से ट्रेनिंग करने से कॉन्फिडेंस आता है केवल पता होने से काम नहीं चलता है तो देखिए नॉर्मल फर्स्ट जो कंडीशन रहती है उसमें ये नॉर्मल इस तरीके से ये खड़े हुए हैं और इस तरीके से यदि सीधा बिल्कुल ऐसे करके यदि सान वाला गन रख देता कैसे करके ऐसे करके सीधा कनपट्टे पर यदि अगर माथे पर कर क्या करता है इस तरीके से गन रख देता है मतलब एनी वे जो भी हो गन हो माउज़र हो या पर कट्टा हो तो उस कंडीशन में आप किस तरीके डिफेंस करेंगे यहाँ से देखिएगा ऐसे जब भी इस तरीके से ये कंडीशन बन जाती है देखिए ऐसे करके साउंड वाला साउन वाले ने इस तरीके से गन रख दिए और मैं आपको बता दूं ये डुप्लीकेट गन है ये कोई ओरिजिनल गन नहीं है और वो भी एक दो बार टूट गई है मैंने पन्नी से इस तरीके चिपका के और थोड़ा सा जुगाड़ा लगाया है ये डुप्लीकेट गन है ये कितने बीस या पच्चीस रुपए की मैंने मार्केट से ख़रीद के लेके आया था प्लास्टिक की गन ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था इस तरीके से देखिए ऐसे इस तरीके से ये कंडीशन बन जाती इस कंडीशन में अपन किस तरीके से डिफेंस करेंगे देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम आपको स्पीड में करके दिखा रहे हैं देखिए है। इस तरीके से आप सीधा बिल्कुल हटें और सीधा बिल्कुल क्या कर सकते हैं ऐसे करके मेन पॉइंट पे आप मार दें क्या कर दें मेन पॉइंट पे मार दें क्यों क्योंकि सान वाले के हाथ में गन है याद रखें मेन पॉइंट पे जब मारेंगे आप तो सान वाले को बहुत तेज पेन होगा और गन तो उसके हाथ से छूट ही जाएगी एक बार और देखिए ध्यान से किस तरीके से ये सान वाले ने अड़ा दिया बिल्कुल ऐसे करके तो स्पीड में आपको क्या करना है ये वाले हिस्से को पकड़ना है क्यों क्योंकि यदि सान वाले ने फायरिंग भी कर दी तो ये वाला जो हिस्सा वो कहाँ पहुंच गया ऊपर पहुंच गया ये और सीधा बिल्कुल आप मेन पॉइंट पे मार सकते हैं इसके बाद सान वाले की जो पकड़ रहेगी वो बिल्कुल लूज हो जाएगी और इस पकड़ जो रहेगी वो लूज हो जाएगी और करके दिखा रहे हैं और शूट है है कर करना रहता तो वो पास ही नहीं आता सीधा निकालता और इस तरीके से दूर से ही शूट कर देता देखिए तो इस तरीके से यदि ऐसे करके रख रहा है तो इस तरीके से आप हट सकते हैं और सीधा बिल्कुल कहां मार सकते हैं मेन पॉइंट पर आप मार सकते हैं कहाँ मार सकते हैं मेन पॉइंट पे मार सकते हैं यदि आपने डिफेंस यदि किया तो बचने के चांस है याद रखें और डिफेंस यदि आपने नहीं किया जैसे समझ लीजिए मैंने ये डिफेंस नहीं किया सीधा सामने वाला क्या करेगा सूट कर देगा यदि उसका उद्देश्य यदि मारने का रहेगा तो बाकी उस यदि उसका सामने वाले का उद्देश्य यदि आपको चमकाने का डराने का है तो वो आपके इधर पर गन नहीं रखेगा उसका उद्देश्य यदि मारने का तो वो सीधा सूट कर देगा आपके इतने पास ही क्यों आएगा पहली बात ये है लेकिन उसका उद्देश्य आपको मारने का नहीं है क्या है चमकाने का वह डराने का ताकि आप आपके माइंड में डर बैठ जाए तो इस तरीके से सेन वाला यदि ऐसे कर रहा है तो आप किस तरीके से करेंगे एक बार और देखिए ऐसे करके ये नॉर्मल कंडीशन में खड़े हुए हैं हल्का से बिल्कुल आपको देखिए क्या करना है इस तरीके से आप सावन वाले का ध्यान भटका सकते हैं जिससे कि हल्का से एक सेकंड का गैप रहता है देखिए इस तरीके से ये देखिए ऐसे करके ध्यान कहाँ पे था गोविंदा आपका ये जो मैंने बजाई हुई थी बस डिफेंस में यही चीज़ रहती कॉन्फिडेंस किसी दुकान पे नहीं मिलता है ये ट्रेनिंग करने से आता है ध्यान रखें देखिए मेरे साथ यदि ये कंडीशन होती है तो मैं तो भाई ऐसे करके डिफेंस करूँगा बाकी आपके साथ कंडीशन हो रही है और यदि आप हाथ ऊपर कर रहे हैं लो भैया आप मुझे मार दो सान वाला सूट कर देगा यदि उसका उद्देश्य यदि सूट करने का रहेगा तो एक बार और देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन जो हम आपको वीडियो में बताएंगे वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं देखिए इस तरीके से नीचे होते हुए क्या कर रहे हैं अपन इस तरीके से कर रहे हैं और सीधा बिल्कुल कहां मार रहे हैं है? मेन पॉइंट पे मार रहे हैं इसके अलावा देखिए और दूसरा क्या डिफेंस रहता है मतलब और दूसरी कंडीशन क्या रहती है यदि सान वाला इतने दूर खड़ा हुआ ऐसे करके देखिए इतने दूर खड़ा हुआ है और इस तरीके से गन निकाल के आपको चमकाता है एनी यदि डराता है तो आप किस तरीके से सान वाले का डिफेंस

इस तरीके से गन जो है वो मेरे हाथ में आ गई है और सीधा बिल्कुल कहाँ पड़ेगा इधर पे माउजर जो रहती है दोस्तों याद रखें लोहे की रहती है इसको ऐसे यदि शान वाला पकड़ा रहेगा तो उसकी फिंगर्स टूट जाएंगे क्योंकि क्यों मैंने ये नाल जो पकड़ ली है और ये वाला हिस्सा इनने पकड़ लिया है यदि आपने रियल की गन देखी हो तो इस तरीके से यदि छुड़ाएंगे तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा नहीं तो उसकी जो फिंगर्स रहेंगी वो टूट जाएंगी इस वाले हिस्से में फंस के क्योंकि रियल गन जो रहती है वो गोली से यदि आप उसको यदि ऐसे करके यदि उल्टा करके मार दो शॉन वाला मर जाएगा उसको ब्लड आ जाएगा रियल की गन जो रहती है मतलब क्योंकि रियल की एक बार देखिए निकाल लिया सीधा बिल्कुल इसमें भी आपको हल्का सा ध्यान भटका ना और इस तरीके से बिल्कुल सीधा बिल्कुल गन मेरे हाथ में आ गई उसके बाद आप साउन वाले का हाथ भी तोड़ सकते सीधा उल्टा ये गन भी मार सकते कहां पर सर्फे मार सकते हैं क्यों क्योंकि सान वाले का उद्देश्य जो था वो बहुत ही गलत था वो आपको मारने के लिए आया था चमकाने के लिए सीधा बिल्कुल आप गन कहाँ मार सकते हैं हेड पर मार सकते हैं ध्यान से देखिएगा एक बार और स्पीड में करके दिखा रहा हूँ उसके बाद फिर मैं आराम से करके दिखाऊंगा ये मैं डिफेंस की कंडीशन बता रहा हूँ यदि आप नहीं हटेंगे सान वाला आपको मार देगा सीधी सी बात है भाई मेरे साथ ये कंडीशन होगी तो मैं तो डिफेंस ही करूँगा क्यों क्योंकि मैं डिफेंस नहीं करूंगा तो मरने के हंड्रेड चांस है और डिफेंस कर रहा हूँ तो हो सकता है बचने के चांस बढ़ जाए मेरे तो मैं तो भाई डिफेंस करूँगा बाकी आप देख लीजिए और सीख लीजिए हम्म इस तरीके से ये निकाल कर रखी नॉर्मल ये खड़े हुए हैं इस तरीके से ये अपन ने हल्का सा ये किया और सीधा बिल्कुल कहाँ मानना इधर पर मानना ये जो किक रहेगी ये सान वाले की पसली टोड़ देगी याद रखें क्या टोड़ देगी पसली टोड़ देगी सान वाले की मेरी जो किक रहेगी बाकी आपकी ट्रेनिंग के ऊपर निर्भर करता अब हम आपको आराम से करके दिखा रहे हैं देखिए इस तरीके से ये कर लिया है अपन को करना है ये वाले हिस्से मतलब जहां से जो, जो गोली निकले इससे हल्का सा साइड हटते हुए ये वाले हिस्से को इस तरीके से ये ऐसे कर कर लेना है ध्यान से देखिए कैसे करके ये वाले हिस्से से हटना मतलब ऐसा नहीं करना नहीं तो सूट हो जाएगा हम्म इस तरीके से अपन को क्या करना है ये वाले हिस्से से क्या करना हल्का सा है हल्का साइड होना ये इस तरीके से साइड होते हुए ये वाले हिस्से से इस तरीके से कर लेना है ये मैं आराम से समझा रहा हूँ बाकी मैंने स्पीड में आपको बताई दिया है किस तरीके से ये वाले हिस्से को ये और ये छुड़ा लेना है अपन को छुड़ाना पड़ेगा इस तरीके से वो खुद नहीं देगा गन समझ रहे हो ये प्लास्टिक की यदि ज़्यादा खींचा तानी हम करेंगे तो गन जो रहेगी वो टूट जाएगी इसलिए हम ज़्यादा खींचा तानी नहीं कर रहे यदि रियल की गन होती तो मैं इनसे खुद बोलता कि आप पकड़े रहो मैं छुड़ा के बता रहा हूँ यदि ये नहीं छोड़ते तो इनकी फिंगर्स टूट जाती एक बार और देखिए इस तरीके से देखिए ये वाले हिस्से से ये हटते हुए क्या कर रहे हैं अपन इस तरीके से गन को छुड़ा रहे हैं और सीधा बिल्कुल क्या कर रहे हैं कि मार रहे हैं इस तरीके से ये दो दो कंडीशन मैंने आपको बता दी है दो कंडीशन में यदि साउन वाला यदि आपको गन से शूट कर रहा है एक और तीसरी कंडीशन में आपको बता दे रहा हूँ यदि आप सान वाला जो दुश्मन है यदि वो आपको दूर से यदि शूट कर रहा है मान के चलिए आप दूर खड़े हैं और साउन वाला यदि आपको आपके ऊपर फायरिंग करता है या फिर गोली मारता है तो उस कंडीशन में आपको ऐसा नहीं जैसे समझ लीजिए आप दूर खड़े हो जाइए अब जैसे समझ लीजिए यदि आप मेरे को यदि दूर से यदि गन से शूट कर रहे हैं तो जस्ट मतलब मेरी जगह यदि मतलब मैं आपको सबसे पहले करके दिखा रहा हूं देखिए यदि सॉन वाला सूट कर रहा हो रहा यदि आप ऐसे करके यदि खड़े इस तरीके से तो सॉन वाला क्या करेगा बताओ निशाना लगा के मार देगा ना सीधी सी बात है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है थोड़ा सा इधर उधर आजू बाजू होना है ताकि बचने के जो चांस है वो बढ़ जाए यदि आपके आजू बाजू में कुछ भी मिलता है वो तो ढाक के आप फेंक के मार सकते हैं इसमें भी बचने के चांस है यदि यदि आप डिफेंस कर रहे हैं तब यदि डिफेंस नहीं कर रहे हैं सामने वाला क्या करेगा सीधा बिल्कुल नेत मिला के और मार देगा यदि उसका आदेश मानने का रहेगा तो तो आप इधर उधर हो सकते हैं यदि आपके आजू बाजू में कुछ भी रहे तो आप फेंक के मार सकते हैं इसमें बचने के चांस है देखिए डिफेंस यदि आप कर रहे हैं तो उसमें बचने के चांस हैं क्यों क्योंकि भाई यदि आप ऐसे करके यदि सीधे खड़े हैं ऐसे करके देखिए इस तरीके से मतलब दूर खड़े हुए हैं जैसे आप कमेंट करेंगे कि सर कोई दूर से यदि सूट करे तो तो यदि आप दूर से यदि सामने वाला शूट कर रहे हो रहा आप ऐसे करके खड़े हैं तो सीधी बिल्कुल जो गोली कोई भी मार देगा बिल्कुल ऐसे करके जिसने पहली बार भी गन पकड़ी होगी ना वो भी बिल्कुल निशाना मिला के इतनी दूर से शूट कर सकता है देखिए इतनी दूर से ऐसे करके याद रखें और ऐसे करके नॉर्मल कंडीशन में यदि कोई भी आपका जो दुश्मन है आजू बाजू वाला है या फिर पड़ोसी यदि आपको गन से यदि डराता है या फिर चमकाता है तो आप तुरंत के लिए तो उससे चमक जाए लेकिन उसके बाद आप दूसरे दिन बिल्कुल थाने में जाए और उसकी एफआईआर दर्ज कर दें यदि आप उसकी एफआईआर दर्ज करेंगे तो आम सेक्ट की धारा के तहत तो उसको चार पांच साल की सजा होगी और उसकी पटाई इतनी भरपल्ले में होगी जिसकी आप सोच भी नहीं सकते यदि नॉर्मल कोई ऐसे हवाबाजी में आपको चमका रहा है या फिर डरा रहा है या फिर बोल रहा है कि ऐसा कर देना वैसा कर देना मैं तो जान से मार दूंगा जो भी है तो आप शुरू दिन तो बिल्कुल यदि सौन वाले का उद्देश्य यदि मारने का तो आप ऐसे डिफेंस भी कर सकते हैं और आजू बाजू वाले पड़ोस वाले एनी जो भी है वो आपको चमकाने के लिए यदि इसका यूज करते हैं गन का यूज करते हैं देसी कट्टे का यूज करते हैं तो आप बिल्कुल पुलिस में एफ दर्ज कर सकते हैं तो ऐसे करके जो मैंने कंडीशन बताई है उस कंडीशन में आप बच सकते हैं बाकी यदि आप डिफेंस नहीं करेंगे तो मरने के बिल्कुल हंड्रेड चांस है और डिफेंस यदि आप करेंगे यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो बचने के कुछ परसेंट चांस हो सकते हैं तो ऐसे करके आप अपना डिफेंस कर सकते हैं यदि शान वाला जो दुश्मन है वो गन का यदि यूज करता है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो आप कहां से देख रहे मैं कौन से स्टेट से देख रहे हैं वो वीडियो पर आप जरूर कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत